एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है मोहिनीस लाइफस्टाइल। और आज आपको लग रहा होगा मैं साड़ी वाड़ी पहन के व्लॉग बना रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। मुझे एक जाना था संगीत फंक्शन में, तो मैं फटाफट से तैयार हो रही थी, तो मुझे लगा यार व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ या कुछ मेकअप ही शूट कर लेती हूँ, कुछ कर लेती हूँ, क्योंकि वैसे तो आजकल टाइम नहीं मिल पा रहा है, नहीं कर पा रही हूँ। बट फिर मेरे को लगा मेरे को कर लेना चाहिए। और कई लोग ऐसे हैं कि जो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो अगर अंदर से इच्छा नहीं भी हो रही है ना, तो बट उनके लिए मन करने लगता है कि नहीं यार वीडियोस बनानी है, क्योंकि कमेंट आने लगते हैं और पूछने लगते हैं आप कहाँ हो, आप कहाँ हो। तो मैंने कहा चलो वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो मैंने पहनी है ये साड़ी और ये बगल में है पीहू तो मैंने ये साड़ी पहनी है, ये बनारसी साड़ी है, मतलब बनारसी टाइप साड़ी है, बनारसी साड़ी नहीं है। और इस ना ब्लाउज़ का बैक बहुत अच्छा सिला था, मतलब अगर किसी लेडीज़ को डिज़ाइन सिलवाना हो तो वो सिलवा सकता है। मैं बैक दिखाऊं, कैसे दिखाऊं, शीशे में दिखाती हूँ। ये देखिए दिख रहा है आप लोगों को ये चीज़, और ये नीचे से काफ़ी अच्छा बैक, मतलब काफ़ी अच्छा सिला था। हाँ ये देखिए इधर से क्लोज दिख रहा है, तो ये मैंने खुद ही सिलवाया था, खुद ही डिज़ाइन भी बताया था। तो ये ऊपर इसकी मैंने लेस अलग से लगवाई थी इसी कलर की, तो काफ़ी प्यारा बैग सिला था, तो मुझे ये ब्लाउज बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फटाफट से तैयार हो लेते हैं और जाना भी है, तो फटाफट से तैयार हो लेते हैं। और ये मेरे पीछे पीछे आ रही है, कैमरे के पीछे पीछे। पीहू हाय बोल दो। हाय बोलो। हाय। हाय बताओ नाम क्या है तुम्हारा? पीहू। चलिए ठीक है, मैं हो जाती हूँ फटाफट से तैयार और आपको बता दूंगी क्विकली कि मैं क्या क्या यूज कर रही हूँ। तो चलिए तैयार होते हैं। शॉल वॉल ले रही हैं, तो हम लोग जाते हैं वहाँ पे, देखेंगे अगर शूट कर पाएंगे तो करेंगे, नहीं तो ऐसे ही आ जाएंगे। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, और आज है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और कल मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि वहाँ से आई तो मैं बहुत थक गई थी और सो गई। और दिख ही रहा होगा आपको मैंने मेकअप भी रिमूव नहीं किया, जो कि बहुत ही गंदी बात है, बहुत ही ख़राब बात है कि मैंने मेकअप रिमूव नहीं किया। बट मैं आगे तक थक गई थी और ठंड भी लग रही थी तो मैं नहीं किया। और मुझे अभी सर्दियों के लिए ना वो वाइप्स लेने थे, ताकि मैं उससे मेकअप तो एटलीस्ट रिमूव कर दूँ अगर मुझे धोने का मन नहीं कर रहा है तो। और वैसे भी आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि मुझे इतनी ठंड लगती है, इतनी ठंड लगती है, मतलब हल्की फुल्की भी ठंड शुरू होगी ना तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। और मुझे मतलब ठंड बिल्कुल भी पसंद ही नहीं है, मुझे इसीलिए बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बहुत ठंड लगती है।
तो इसलिए मैंने मेकअप रिमूव नहीं किया था और अब रिमूव करूंगी। वैसे फेस पे अगर मैंने कुछ फाउंडेशन वगैरह कुछ ऐसा लगाया होता बहुत ज़्यादा तो मैं एक बार के लिए हिम्मत करके उठ ही जाती, बट मैंने कल बीबी क्रीम सिर्फ लगाई थी। तो चलिए अब मैंने अभी ब्रश वश नहीं किया है और रूम में साफ कर रही थी तो इधर मैंने चादर तो लगा दी है। अभी देखिए टीवी आके ऊपर रख गई है, ये टीवी रखी है बट हमने अभी लगाई नहीं है क्योंकि रूम ही डिसाइड नहीं है। अभी जो अविनाश मेरे हस्बैंड जैसे आप जानते हो उन्होंने बोला है कि अभी इसी रूम में रहो, ये सर्दियाँ इसी रूम में निकालो क्योंकि ये छोटा है तो थोड़ा सा अच्छा सा रहेगा कोजी वाला छोटे रूम में, तो सर्दियाँ निकालो उसके बाद शायद, क्योंकि अभी जो है काम चल रहा है तो नीचे शॉप का काम चल रहा है उसके बाद ऊपर का काम चलेगा, तो एक साथ सब चीज़ करना ठीक नहीं है। बेटा हाथ नहीं हिलाओ, जिस ये देखो मुंह धो के आया और जिस हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा उसी हाथ को हिला रहा है, ठंडा है ना, मुंह पोछो वो टावल लो, मुंह पोछो। सो बिस्तर मैंने लगा दिया, अभी नीचे झाड़ू मारूंगी। इधर मैंने पूरा वो रख दिया क्योंकि रखने की इतनी जगह नहीं है, तो अभी मैं क्लीन करती हूँ सब चीज, उसके बाद आपको मिलती हूँ दोबारा से मेकअप रिमूव करके नहा के। तो नहाना धोना हो गया है और अब हम बैठे हैं छत पे। कैसे करी मम्मी, ये नहाना भी हो गया है, खाना भी बन गया है और अभी दिखाऊंगी आपको खाना क्या बनाया। और हम बैठे हैं छत पे, छत पे नहीं मतलब बालकनी में, मैं छत बोलती हूँ सबको कंफ्यूजन हो जाता है, वैसे भी नॉर्मली जब मैं फोन पे भी बात करती हूँ तो मैं छत बोलती हूँ तो सब सोचते हैं कि मैं ऊपर जाके छत पे बैठी हूँ। आपको बैक कैमरे से ऊपर की छत दिखा दूंगी अभी, पर मैं अभी हूँ बालकनी में, ये है बालकनी और इधर से पूरी है नीचे रोड, ये है मेन रोड और मैं हूँ बालकनी में और मम्मी हैं। मम्मी बहुत गुस्से में इस टाइम पे, ढूंढ क्या रही है मम्मी? अरे यार इनको पता नहीं है कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। ढूंढ क्या रही थी ये तो बताइए, ढूंढ क्या रही थी? अरे क्या ढूंढ रही है कैमरे के आगे, ये भी भूल के ढूंढ क्या रही थी है। चलिए अभी दिखाते हैं खाना क्या बना है, छत पे बैठे हैं धूप में, सबसे अच्छा जगह ना मतलब सर्दियों में सबसे बेस्ट जगह यही है, बस नहाओ उसके बाद सीधे छत पे आ जाओ, खाना पीना सब कुछ यही छत पे होता है। फिर चलिए दिखाती हूँ क्या बना है खाना। सो फ्रेंड आज खाने में बना है सकपैदा, आलू पालक की सब्जी, चावल और रोटी, और रोटी एक मोटी रोटी रखी है एक पतली रोटी रखी है क्योंकि पापा खाते हैं मोटी रोटी। और सकपैदा एक दाल होती है जो पालक के साथ मिला के, उड़द की दाल के साथ मिला के पालक बनाई जाती है। अगर आप इसकी रेसिपी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा तो मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी तक मैंने मतलब मुझे कोई ऐसा कमेंट नहीं आया कि आप ये रेसिपी बताइए, तो इसलिए मैंने रेसिपी शूट नहीं की। और जैसे बट आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए सुबह सुबह चूहा पकड़ो अभियान चल रहा है, किधर से चूहा निकाले तुम, किधर से निकाले चूहा, अरे फर्स्ट टूट जाएगा आप बेवकूफ, ये देख लो, देख लो इनको, मिस्त्री मजदूर बनाया शक्ल से, कोई इसे लग रहे मिस्त्री मजदूर, कहां चूहा कहां मसाला भरे हो, मसाला अपने भगवान कमरे में भरे। अच्छा पता नहीं कहाँ कहाँ घुस के लड़का चूहा पकड़ रहा है और इसकी गैंग में ये सब शामिल हैं, सब गैंग में शामिल है। चाची चाची किधर गई चाची, अक्षत का सही में वीडियो बना दिए रिंकी, रिंकी अक्षत का सही में वीडियो बना दिए, हम डाल देंगे अक्षत का वीडियो हम सही में डाल देंगे, सुबह से चूहा पकड़ रहा है। हम चाची अक्षत का वीडियो बना दिया सही में डाल देंगे यूट्यूब पे, ठीक है डाल देंगे यूट्यूब पे ना, नीचे वाले बनाए हुए हैं ये तब भी ब्लैकमेल नहीं होता किसी से, हम की देते हैं वो, हम सही में डाल देंगे, हम कट नहीं करेंगे सही में डाल देंगे अक्षत का वीडियो। एक दिन वो बोले तो ये बोला कि नहीं आप रख लीजिए, भाभी आएंगे इनको दिखाइएगा, सबसे छोटा देवर है किसी को ये पता ही नहीं है कि ये छोटा बच्चा कौन है। अच्छी आ रही है, कितनी सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है, सबसे सुंदर चाची है, ऐसे ना डालना,
ब्लॉगिंग में अच्छा बुरा नहीं होता चाची, जैसे हो वैसे दिखाना तो पड़ता है, रियलिटी हम जैसे भी नहीं है, रियलिटी दिखानी पड़ती है ब्लॉगिंग में, रोज जैसे भी नहीं है हम, देखे हम खुद ही ऐसे आ जाते हैं। तो बालकनी चेंज हो गई है और अभी मैं बैठी हूँ चाची वाली बालकनी में और चाची गई है चाय बनाने। तो ये चाची की बालकनी, मतलब जो हमारा उस साइड वाला पोर्शन है आपने देखा होगा वीडियो में, उसमें बालकनियाँ बहुत अच्छी दी गई हैं। तो दो बालकनी ऊपर वाली पड़ती हैं, नीचे वाली में तो नीचे ही आ जाता फ्लोर पे ही, तो ऊपर वाली दो बालकनियाँ दी गई हैं। तो उधर का बालकनी बहुत अच्छा है, इधर बालकनी बस ये इतना पतला वाला गलियारा टाइप का है और बस फिर रोड है, सामने रोड है। तो पर चाची वाला इधर वाला पोर्शन मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, होता है ना जिधर अपना रहो उधर अच्छा नहीं लगता है, दूसरे की जगह ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चाची गई है चाय बनाने, अभी आती हैं देखते हैं। ये चाची का रूम देखिए गंदा थोड़े ना है, चाची का ड्राइंग रूम है बट अभी दिख नहीं रहा है, लाइट उतनी अच्छी पड़ नहीं रही, इधर से अंधेरा दिख रहा है एकदम, लाइट नहीं आ रही ना, अंधेरा दिख रहा है, अब दिख रहा है क्या? कौन बनाया है यूट्यूब से देखते हैं इसमें? अच्छा पहाड़ बनाए हैं जी, इसमें एक फैन लगा था ना स्विच से, एक बैटरी से पूरा कंप्लीट कर दे कह दो। अच्छा कंप्लीट होगा तो फिर दोबारा से वीडियो पे दिखा दूंगी मैं। ये अक्षत की कारीगरी है, देखिए क्या बनाए हैं, इनका दिन भर यही काम चलता है, कहीं चूहों के लिए बिल बंद कर रहे हैं। ये इस कलर की वजह से ना चाची आ नहीं रहा वीडियो में, ये डार्क ब्लू है ना एकदम, इसीलिए वीडियो पे आ नहीं रहा है। उसका भी वीडियो में रात के टाइम पे पता है उधर के साइड लाइटिंग प्रॉपर नहीं है, तो रात के टाइम पे उतना अच्छा आता नहीं है, उधर का वीडियो बहुत अच्छा लगा। वीडियो बनाने के लिए ना अब हम लोग नॉर्मल वो है ना यूट्यूबर, तो DSLR वगैरह लेते तो ढंग का शूट होता, तो हम लोग दिन में बनाते हैं वीडियो ताकि हमारी वीडियो अच्छी आए, और शाम के टाइम पे वीडियो ही नहीं बनाती इस चक्कर में मैं, कोई त्योहार हो कुछ भी हो शाम के टाइम पे वीडियो ही नहीं बनाती। देखो इनको पता नहीं चला कि वीडियो स्टार्ट हो गया, नहीं सब तैयार होने लगते हैं, और रियलिटी मेरा फर्ज बनता है रियलिटी दिखाने का, क्योंकि मैं एक ब्लॉगर हूँ, इतनी जागरूक ब्लॉगर हूँ कि मैं सबको रियलिटी में दिखाती हूँ। मुँह दिखाओ, ये अभी छत पे सो के आ रही है, धूप में सोई थी धूप में, और सबको अच्छे से बता दूं, सब बोलते हैं कि आपकी बहन है बहन है बहन है, ये मेरी बहन नहीं है भाई, ये मेरी ननद है, ये सबसे छोटी ननद है, सबसे छोटी ननद, बहुत ज्यादा। अरे तुम अच्छी आ रही हो, देखो तो कितनी सुंदर आ रही हो, सब कमेंट करके जरूर बताना सुंदर आ रही है ना। हाँ बहुत, सो के उठ के आई है छत से, मुंह देख लो इनका, तो सबको अच्छे से बता दो भैया ये मेरी बहन नहीं है ये मेरी ननद है, तुम भी बोल दो, हो सकता है मेरी बात से यकीन ना हो। मेरी भाभी अभी कह रहे हैं भाभी रहने दीजिए प्लीज, बहुत गरीब है देखो बेचारी, कितना फटा है, सब फटे फुटे के कपड़े पहनती है, कितनी गरीब है, बार बार मेरे हाथ में ये चाबी 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 दिखाई दे रही है, हर वीडियो में चाबी दिखाई दे रही होगी। इधर कौन कौन खड़ा है, रिंकी भाभी पीहू कपड़े चेंज करके आ गई है, बता दो पीहू कपड़े चेंज क्यों किए तुमने, बता दो सबको, बता दो नहीं बता दो पीहू कपड़े चेंज करके आ गई है और चिया भी सो के उठ के आ रही है। तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, वीडियो का एंड कर देते हैं, चिया आज तुम एंड करो, वीडियो कैसे एंड करना चाहिए? ठीक है हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में और जागते हुए रूप में, मेकअप करके अच्छे सा फेस में, नहीं नहीं बस हाँ ले मेकअप नहीं करते, आपको पता है कुछ नहीं लगाते हमसे, बॉडी लोशन बॉडी लोशन मुंह में लगाती है, आगे से बॉडी लोशन बॉडी में लगाते, मुंह में कुछ नहीं लगाते हम। देखो मैंने भी आज कुछ नहीं लगाया, फेस कितना ग्लो कर रहा है ना, मैंने वही सबको बताया, मैंने आप लोगों को भी बताया, इन लोगों को भी बता रही हूँ कि पॉन्ड्स की जो क्रीम है मैं आजकल सिर्फ वही यूज कर रही हूँ और बहुत ही अच्छा रिजल्ट उसका है मेरे फेस पे तो है, आप लोग भी ट्राई करके देखिए, उसका एक बार छोटा पैक लेके आइए बट ट्राई कर लीजिए, बहुत अच्छी क्रीम है, उसी से आजकल मेरे फेस पे काफी अच्छा ग्लो है, बच्चों के सर आ गए और बच्चों के मुंह में बच जाएंगे 12, अब सारे बच्चे मस्ती में आ रहे थे उनके सर, उनके सर 12 बजेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, बच्चों की मस्ती रखी है, देखो सर आ गए बच्चों के मुंह में 12 बज गए सर आ गए, तो सबकी अभी मस्ती चल रही थी एक साथ। सो चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलते हैं अपने
हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत सारा ध्यान रखिए।